साइबर वर्ल्ड हर दिन इवॉल्व हो रहा है एंड जैसे जैसे साइबर वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है एंड इसीलिए डिमांड है स्किल्ड इथिकल हैकर्स की। अगर आप सीरियस हो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। ज्यादातर कोर्सेस में क्या होता है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एंड जो प्रैक्टिकल होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। बट हमारे इस इथिकल हैकिंग प्रोग्राम में आप सीखोगे रियल लाइफ प्रैक्टिकल ऑफ इथिकल हैकिंग, जो आपको रेडी करेगा रियल वर्ल्ड साइबर चैलेंजेस के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस कोर्स के फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इट मीन्स इसको काफी ज्यादा बेसिक टू एडवांस लेवल तक बनाया गया है ताकि कोई भी ज्वाइन करके इसको आसानी से समझ सके। कोई भी मीन्स कोई भी, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी इसको सीख सकता है। चाहे आपकी एज 10 ईयर है या फिर आपकी एज 52 ईयर्स है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कोर्स को 4 stages में डिवाइड किया गया है, यानी 4 steps में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर सीखने वाले हो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो कि एक नींव है, जो कि एक बेस है किसी भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स का, वो आप सीखने वाले हो। एंड ये कोई ऐसा वैसा नेटवर्किंग कोर्स नहीं है, इसकी ड्यूरेशन है 2 months एंड यहाँ पर आप बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें सीखने वाले हो। इस नेटवर्किंग स्टेज में आप सीखने वाले हो पैकेट एनालिसिस, राउटिंग, स्विचिंग एंड एडवांस लेवल ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी बेसिक्स टू एडवांस लेवल जो भी नेटवर्किंग में इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको हाइलाइट्स बताए हैं, लेकिन बेसिक टू एडवांस लेवल जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत है एक साइबर सिक्योरिटी में सीखने के लिए, वो सारी नेटवर्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर नेटवर्किंग सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की ड्यूरेशन है 2 months। सो ये बात थी स्टेप 1 की। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, यानी स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आप सीखोगे रेड हैट लिनक्स। रेड हैट लिनक्स ये काफ़ी एडवांस लेवल ऑफ कोर्स होने वाला है, नो डाउट। बेसिक से पढ़ा बताएंगे ताकि आप एडवांस लेवल तक पहुँच सको ईजिली। यहाँ पर आप सीखोगे लिनक्स के बारे में, यानी साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में आपको 99% लिनक्स मिलेंगे, है ना। लिनक्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसमें चीज़ें कैसे काम करती है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस लिनक्स में सीखने के लिए मिलेगी। एंड हर जगह ये चीज़ें आपको सिखाई भी नहीं जाएगी। एंड इसकी ड्यूरेशन होने वाली है 1.5 months, यानी इस लिनक्स में आपको 1.5 months की ड्यूरेशन मिलेगी। एंड बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स रहने वाला है लिनक्स के ऊपर, यानी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है आपको इस लिनक्स वाले स्टेज में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 में आपको मिलने वाला है एथिकल हैकिंग, जो कि आपका मेन कोर्स है। एथिकल हैकिंग में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल मिलेंगे, जो कि एकदम एडवांस लेवल पे रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर एथिकल हैकिंग कोर्स की जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 3+ months की होने वाली है। इस एथिकल हैकिंग स्टेज में, जो कि 3rd stage है, यहाँ पर आप सीखोगे एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस लेवल ऑफ सिस्टम हैकिंग। यस, इससे रिलेटेड आपको मैं एक ब्रोशर प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं इसी सिर्फ और सिर्फ एथिकल हैकिंग में। बाकी अगर आप टोटल स्टेजेस के जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको अगर काउंट करोगे तो वो 60+ मॉड्यूल्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में इंट्रोडक्शन से लेके सिस्टम नेटवर्क स्कैनिंग एंड सिस्टम हैकिंग एंड एवरीथिंग। तो ये था स्टेज 3, जिसकी ड्यूरेशन है 3+ months, यानी 3 months या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपको क्या मिलने वाला है, यस, ये सारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, यानी ये सारे स्टेजेस 1st, 2nd एंड 3rd, ये सारे स्टेज जब आप पार कर लोगे तो आप बन जाओगे एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर। तो अब आपको चाहिए होगी एक गाइडेंस कि आपको रिज्यूम कैसे रखना है एंड जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो 4th stage में आपको मिलने वाला है करियर गाइडेंस। वहां पर आप ये सारी चीजें समझ पाओगे कि आप कैसे करियर बनाओगे, कैसे रिज्यूम बनाओगे एंड बहुत सारी चीजें जो कि आपके जॉब से रिलेटेड रहेगी। तो वॉरियर्स, ये सारी चीजें जो स्टेप्स हो गई, ये तो हो गई आपके कोर्सेस की, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है इस कोर्स में, इस कोर्स में आपको मिलता है एडवांस लेवल ऑफ टूल्स, एडवांस लेवल ऑफ लैब। यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड चीज मैं आपको बताऊँ तो आपका लैब है। आप अदर कोर्सेज में अगर आपने देखा होगा तो बेसिक लेवल ऑफ मशीन्स होती हैं, जैसे मेटास्प्लॉइटेबल एंड विंडोज 7, बट यहाँ पर आपको लेटेस्ट लैब एंड लेटेस्ट मशीन्स मिलने वाली हैं, जैसे
विंडोज 11 इसमें ही हम प्रैक्टिकल करेंगे, इस सिस्टम को हम हैक करने वाले हैं। देन विंडोज 10, देन आपका हो गया उबंटू, सर्वर 2019, सर्वर 2022 एंड काली लिनक्स एंड पैरेट ओएस एंड प्लस एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप मोबाइल प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये हो गया आपके लैब्स एंड टूल्स के बारे में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेजेस आपको मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट जो कि हेल्प करेगा आपके रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाने में एंड जॉब्स पाने में। सो इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको मिलेंगे न्यू वर्जन हैकर के टीम मेंबर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए। सो हैप्पी लर्निंग माय ऑल वॉरियर्स, सी यू इन दिस कोर्स।